नमस्कार दोस्तों, अभी अपन देखेंगे एसीएफ एनवायरनमेंट में जो अपनी सेकंड यूनिट चल रही है उसमें वाटर रिसोर्सेज का जो टॉपिक चल रहा है ना, उसमें एक टॉपिक है ड्रोथ यानी कि सूखा। सूखे के कारण भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, मरुस्थलीकरण सूखे की वजह से बढ़ रहा है पूरे विश्व में, तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर तथा वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास किए गए हैं, तो वो प्रयास कौन से हैं इनको अपन देखेंगे। तो सूखा जो है, सूखा दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनी है, उसका नाम है UNCCD, जिसकी स्थापना 17 जून 1994 को की गई, इसलिए 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। अब अपन बात करेंगे सूखा वास्तव में होती क्या चीज है। सूखा जो है वो है भूमि का शुष्क होना, भूमि का शुष्क होना या फिर आर्द्र भूमि का शुष्क होना, नमी गायब रहना, इसके अलावा सूखा जो है इसमें जो भूमि है, भूमि का क्षरण भी इसमें शामिल है। जो भूमि का जो क्षरण होता है यानी डिग्रेडेशन, वो भी किसके कारण होता है? भूमि के सूखापन के कारण डिग्रेडेशन होता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए वैश्विक स्तर पर एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है UNCCD। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, इस संस्था की स्थापना 17 जून 1994 में की गई। और कहां की गई? पेरिस में इसकी स्थापना की गई। पेरिस जो फ्रांस है वहां पर इसकी स्थापना की गई। किसकी? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, इसकी स्थापना 17 जून 1994 को पेरिस में की गई। इसलिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। भारत इस संस्था में कब शामिल हुआ? तो भारत 14 अक्टूबर 1996 को इसमें शामिल हुआ। कब शामिल हुआ भारत? 14 नवंबर 1996 को इस संधि में शामिल होने की पुष्टि की, इस संधि की पुष्टि करी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भारत 14 अक्टूबर 1994 को इस संधि में शामिल हुआ। यह जो संस्था है UNCCD, इसका जिस प्रकार से कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसका सम्मेलन किया जाता है, उसी प्रकार UNCCD का सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। और उसमें निर्धारित किया जाता है कि सूखा जो है उसको कम से कम किया जाए विश्व में, ताकि खाद्यान्नों की समस्या उत्पन्न न हो तथा मरुस्थलीकरण जो है उसको भी बढ़ावा न मिले। तो वर्तमान में अपन बात करें, वर्तमान में विश्व की क्या स्थिति है, विश्व में मरुस्थल और सूखे की क्या स्थिति है,
फिर अपन इसके बाद देखेंगे कि भारत में सूखे की क्या स्थिति है। विश्व में मरुस्थलीकरण व सूखे की स्थिति, मरुस्थलीकरण व सूखे की स्थिति, पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि दुनिया की पहला पॉइंट इसमें है दुनिया की 30% आबादी 30% आबादी शुष्क क्षेत्रों में रहती है। कितने क्षेत्रों में रहती है? 30% आबादी शुष्क क्षेत्रों में रहती है और लगभग 20% हिस्सा जो विश्व का है वो विश्व का 20% भूभाग मरुस्थल है। कितना भूभाग? 20% भूभाग जो है वो क्या है? मरुस्थल है। प्रति वर्ष करीब 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो रही है। कितनी भूमि? 12 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है प्रतिवर्ष? वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और इसके कारण लगभग 20 मिलियन टन अनाज कम उत्पादित होता है। कितना? 20 मिलियन टन उत्पादित कम होता है। कब? पर ईयर। पर ईयर इतना उत्पादन कम होता है जबकि होना क्या चाहिए? उत्पादन बढ़ना चाहिए क्योंकि जनसंख्या का भार प्रति वर्ष विश्व पर बढ़ता जा रहा है। दूसरा, इसमें हर वर्ष 70,000 वर्ग किलोमीटर मरुस्थल बढ़ रहे हैं, मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। तो ये स्थिति है विश्व की। विश्व में 20% भूभाग पर तो क्या है? मरुस्थल है और 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो प्रतिवर्ष किसमें परिवर्तित हो जाती है? वो मरुस्थल में या शुष्क भूमि में परिवर्तित हो जाती है। इसके कारण 20 मिलियन टन अनाज का कम उत्पादन होता है तथा 70,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर मरुस्थल जो है वो उसका प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अब यूएनईपी ने यह बताया है कि यूएनईपी द्वारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। वो रिपोर्ट ये बोलती है कि विश्व की 25% भूमि जो है उसका क्षरण हो चुका है, वो डिग्रेड हो चुकी है। यूएनईपी ने रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेशनल रिपोर्ट रिसोर्स पैनल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्व में 25% भूमि का क्षरण हो चुका है। ये किसने कहा है? यूएनईपी की रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल रिपोर्ट ने यह कहा है कि विश्व की 25% भूमि जो है वो क्या हो चुकी है? डिग्रेड हो चुकी है सूखे के कारण। आईपीसीसी द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस आईपीसीसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्व में जितनी भूमि का निर्माण नहीं होता है उससे 100% अधिक भूमि जो है उसका क्षरण हो जाता है। आईपीसीसी के अनुसार विश्व में जितनी नई भूमि का निर्माण होता है
उससे 100 गुना भूमि का क्षरण हो रहा है। अब भूमि का निर्माण किस प्रकार होगा? नई भूमि का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से। चट्टानें टूटती हैं तथा वो सूक्ष्म कणों में विभाजित होती हैं और उस पर जब बैक्टीरिया वगैरह की क्रिया होती है तो ह्यूमस का निर्माण होता है, उससे उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। तो ये जो भूमि है ये नष्ट हो रही है और भूमि निर्माण की जो दर है वो भूमि के क्षरण होने की दर से क्या है, कम है, जिसके कारण प्रतिवर्ष 25 टन उपजाऊ भूमि जो है प्रतिवर्ष 25 टन उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। कितनी भूमि? 25 टन उपजाऊ भूमि जो है वो प्रतिवर्ष क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये तो है विश्व की स्थिति। अब अपन बात करेंगे भारत में क्या स्थिति है। भारत में सूखे की स्थिति के कारण मरुस्थल का विस्तार हो रहा है और करीब करीब 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा मरुस्थल का विस्तार हुआ है। तो भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति, भारत में लगभग 13,000 एकड़ जो भूमि है प्रतिवर्ष मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। प्रतिवर्ष 13,000 एकड़ भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती है। कितनी भूमि? 13,000 एकड़ भूमि जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। भारत में 30% इलाके सूखे के कारण मरुस्थल में परिवर्तित हो रहे हैं। भारत में 30% भूमि जो है वो सूखे के कारण मरुस्थल में परिवर्तित हो रही है। कितनी भूमि? 30% भूमि जो है वो सूखे के कारण किसमें परिवर्तित हो जाती है, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो 30% भूमि सूखे में परिवर्तित होती है, इस 30% का 80% भूभाग 8 राज्यों में पाया जाता है। यानी 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा भूमि जो है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो रही है। तो ये राज्य हैं, पहला है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है जम्मू कश्मीर, पांचवा है गोवा, पांचवा कौन सा है गोवा, छठा है झारखंड, सातवा है गुजरात और आठवा है तमिलनाडु। ये जो राज्य हैं इन राज्यों में लगभग 80% ये जो भूमि है इन इलाकों 30% इलाके का 80% इनमें मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है प्रतिवर्ष। भारत में भूमि क्षरण के कारण, भूक्षरण के कारण लगभग आप ऐसे मानो कि 96% लगभग के कारण लगभग 96 मिलियन हेक्टेयर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो रही है। जो कि कुल भूभाग का कितना है, कुल भूभाग का ये 29% है। जितना भूभाग है उसका ये कितना प्रतिशत है, 29% है।
यानी 29% भूभाग पर भारत में भूमि क्षरण हो रही है। भारत की जो कुल भूभाग है, भारत का कुल भूभाग, भारत का जितना भूभाग है उसमें से 70% क्षेत्रफल जो है वो क्या है, शुष्क भूमि। 70% क्षेत्र क्या है, शुष्क है। 30% भूमि का क्षरण हो चुका है। कितनी प्रतिशत भूमि का क्षरण हो चुका है, 30%। और 25% भूमि जो है ये भूमि मरुस्थल, मरुस्थलीय प्रदेश में परिवर्तित हो, स्थलीकरण वाले राज्य सर्वाधिक मरुस्थलीकरण वाले राज्य, इन राज्यों में पहला राज्य है झारखंड, जिसकी लगभग 68.98% भूभाग जो है वो क्या है, मरुस्थल में परिवर्तित हो चुका है। राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में लगभग 65.9% के आसपास। तीसरा आपके है दिल्ली, तीसरा दिल्ली, चौथा है गुजरात और पांचवा कौन सा है, गोवा। तो ये राज्य हैं जिनमें मरुस्थलन मरुस्थलीकरण की जो दर है वो सबसे ज्यादा है। इसमें पहला कौन है, झारखंड है, यहां पर मरुस्थलीकरण की जो दर है वो ज्यादा है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे दिल्ली है, चौथे पे गुजरात है और पांचवे पे कौन है, तथा उनको दूर करने के क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए इनकी बात करें। मरुस्थलीकरण के कारण को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण। मरुस्थलीकरण के कारण, रीजन और डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण के कारण में पहला कारण है पानी की कमी, किसकी कमी, पानी की कमी। दूसरा है पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई के कारण भी मरुस्थल कम हो रहे हैं। तीसरा है औद्योगीकरण, औद्योगिकीकरण। तीसरा क्या है, औद्योगिकीकरण। चौथा है जलवायु परिवर्तन। चौथा क्या है, जलवायु परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन है मरुस्थल के होने के कारण, इनको अपन दो भागों में वापस बांट सकते हैं, जलवायु कारक और आपके मानवीय कारक। जलवायु भी है कारक और दूसरा है मानव जनित कारक। जलवायु कारक में है आपके मृदा का प्रसार, जो किसके कारण होगा, वायु के कारण या फिर वर्षा के कारण। वर्षा के कारण भूमि जो है वो कट जाती है, वायु के कारण मिट्टी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। मानव जनित कारणों में पहला है पेड़ों में, पहाड़ों में, पहाड़ों में स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, जैसे झूम कृषि, झूमी कृषि एक प्रकार क्या है, स्थानांतरित कृषि है, जिसके कारण एक स्थान पर भूमि कृषि करने के लिए वनों को काटा जाता है, फिर थोड़े समय बाद जब वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो वहां से वो भूमि छोड़कर दूसरी जगह जाके जंगल काट के वहां पर कृषि की जाती है, तो वो पीछे वाली जो भूमि है वो धीरे धीरे क्या इसमें परिवर्तित हो जाती है, सूखी भूमि में, ड्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पर वन जो है वो नष्ट हो गए, वहां पर नई भूमि जो है उसका निर्माण होना रुक जाता है। तो मानव जनित कारणों में पहला कारण ये है। दूसरा है वर्तमान में ट्रैक्टरों द्वारा भूमि की गहरी खुदाई, ट्रैक्टरों द्वारा खुदाई की जाती है, उसमें भूमि जो है गहराई तक खोद दी जाती है, जिससे मिट्टी जो है उसकी संरचना धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तीसरा है भूमि की
क्षारीयता या लवणता, इसका कारण है क्षारीयता या लवणता का कारण है उर्वरक का उपयोग करना, उर्वरक का उपयोग या फिर अत्यधिक भूमि जल का उपयोग जब अपन करते हैं तो नीचे के जो लवण है वो भूमि के ऊपर आके जमा हो जाते हैं सरफेस पे और वो भूमि जो है क्षारीय और लवणीय भूमि में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अपन बात करें राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके कारण सेम की समस्या आती है, लवण जो है नीचे के वो पानी की वजह से भूमि के ऊपर आ जाते हैं और वहां पर जो कृषि भूमि है वो कृषि करने लायक नहीं रह पाती, तो वो भी एक मरुस्थलीकरण का ही उदाहरण है, उसके कारण भूमि जो है वो खराब हो जाती है। अब अपन बात करेंगे मरुस्थलीकरण के प्रभाव, मरुस्थलीकरण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। मरुस्थलीकरण के प्रभाव, मरुस्थलीकरण के कारण पहला प्रभाव तो यह है कि इससे कृषि भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, कृषि भूमि का अनुपजाऊपन से कृषि जो खाद्यान्न की कमी आती है, खाद्यान्नों की कमी, और इसके कारण पलायन बढ़ता है और पलायन बढ़ने के कारण जो सामाजिक जो एक अनुमान ये है कि 2045 तक लगभग 1 अरब 25 करोड़ आबादी का पलायन हो जाएगा। कितनी? 1 अरब 25 करोड़ भूमि आबादी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाएगी। सर्वाधिक पलायन जो हो रहा है वर्तमान में वो हो रहा है आपके अफ्रीका महाद्वीप से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। इसका कारण है डेजर्टिफिकेशन बढ़ने के कारण कृषि जो है वो नष्ट हो जाती है, वहां पर व्यक्ति कृषि नहीं कर पाता और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यूरोप महाद्वीप के व्यक्ति जो है वो तुर्की होते हुए वर्तमान में यूरोप पहुंच रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के लोग, तो ये इसका उदाहरण है डेजर्टिफिकेशन का। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक पलायन हुआ है, सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में, अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वृद्धि पिछले 15 सालों में हुई है। किसके कारण? मरुस्थलीकरण के कारण मान लो या फिर कोई अन्य कारण हो सकता मान लो, लेकिन पिछले 15 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। अब मरुस्थलीकरण को रोकने के क्या उपाय किए जाने चाहिए, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु भारत सरकार ने क्या उपाय किए हैं मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय, मरुस्थलीकरण रोकने हेतु भारत सरकार ने किसानों को कई सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएम किसान योजना, तीसरा है हर खेत को पानी योजना, चौथा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन
माइक्रो इरिगेशन। इसके अलावा हर खेत को पानी हो ही गया, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये जो योजनाएं हैं ये इसलिए शुरू की गई हैं ताकि मरुस्थलीकरण का विस्तार कम से कम हो। एक इंपॉर्टेंट ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये योजना शुरू की गई कहां से, सूरतगढ़ से, ये राजस्थान से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है जो मृदा है उसका डेटाबेस तैयार किया जाए, प्रत्येक खेत की जो मृदा है उसका पूरा एक विवरण तैयार किया जाए और उससे ये पता लगाया जाए कि इस भूमि में किस उर्वरक की मात्रा कम है ताकि उसकी उसमें सप्लाई की जा सके और मृदा जो है उसको उर्वरक बनाया जा सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो उसका उद्देश्य यही है कि मृदा की उर्वरकता जो है उसको बनाया रखा जा सके। फिर अन्य उपाय में अपन बात करें तो अन्य उपाय जो है उसमें पहला है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण करना। दूसरा है आपके भूजल ग्रहण क्षमता बढ़ाना, भूजल ग्रहण क्षमता बढ़ाना। इसके अलावा चराई, पशु चारण पर नियंत्रण करना, पशु चारण पर नियंत्रण करना। चौथा है जैविक कृषि को बढ़ावा देना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। और सबसे ज्यादा जैविक कृषि कहाँ होती है, सिक्किम राज्य में होती है। ये भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम है। तो ये जो योजनाएं हैं इनके द्वारा मरुस्थलीकरण को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एक इसमें है शुष्क कृषि को बढ़ावा देना, शुष्क कृषि को बढ़ावा देना, ऐसी खेती की जाए जो कम पानी में भी उपज दे दे, तो इस प्रकार की फसलों का विकास किया जाना चाहिए। अब अपन बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज अपने पास है वो है UNCCD का जो सम्मेलन, 14वां सम्मेलन यहां आयोजित हुआ है, कहां पर, नई दिल्ली में इस वर्ष 2019 में UNCCD COP14, UNCCD COP14 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 नंबर का जो है ये कहां पर आयोजित हुआ है, इसका आयोजन हुआ है दिल्ली भारत में। कहां पर आयोजित हुआ है, दिल्ली भारत में ये आयोजित हुआ है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है री स्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। री स्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर किसकी थीम है, COP14 की थीम है रीस्टोर सस्टेन लैंड। तो ये आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कहां आयोजित हुआ है, दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसकी थीम क्या है, रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर इसकी थीम है। इसमें 196 देश शामिल हुए इस बार, कितने देश शामिल हुए, 196 देश शामिल हुए। अब भारत का लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड या जो चरण भूमि को रीस्टोर करना, क्या लक्ष्य रखा है भारत ने, 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो भारत के डिग्रेड हो चुकी है वापिस उसको उर्वरक भूमि में बदलने का लक्ष्य कब रखा है, वर्ष 2030 तक।
और वर्ष 2030 तक का ही लक्ष्य है। एसडीजी जो गोल निर्धारित किए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो निर्धारित किए गए हैं 2015 से 2030 तक के जो गोल निर्धारित किए गए हैं उसमें ये भी एक गोल है। तो भारत का लक्ष्य क्या है, 26 मिलियन हेक्टर डिग्रेडेड भूमि को वापिस रिस्ट में। एक दिल्ली घोषणा भी जारी की गई इस सम्मेलन में, दिल्ली घोषणा जारी की गई। क्या जारी की गई, दिल्ली घोषणा। तो दिल्ली घोषणा में ये कहा गया है कि जो ग्रीन क्लाइमेट और वैश्विक पर्यावरण सुविधा प्रदान करने वाली जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनकी जवाबदेहिता भी इसमें निर्धारित की जाए ताकि वित्तीय जो कमी है वो देशों को न झेलनी पड़े। इसलिए संस्थाएं हैं ग्रीन क्लाइमेट वैश्विक पर्यावरण सुविधा जैसी वित्तीय संस्थाओं की जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाए। इसके 2030 तक भारत द्वारा लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2000 तक जो लैंड डिग्रेडेड न्यूट्रलिटी है उसको हासिल करना, या जो भूमि जो डिग्रेड हो चुकी है उसको वापस अपन रिकवर करेंगे, ऐसा लक्ष्य भारत द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यूएनसीसीडी का जो COP14 सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये कहां पर आयोजित हुआ है, भारत में आयोजित हुआ है। इसकी थीम क्या है, रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर इसकी थीम है। 196 देश इसमें शामिल हुए। भारत का लक्ष्य है 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उसको वापिस 2030 तक उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करेंगे, ये भारत का लक्ष्य है। तो आप इसको ध्यान रखें, UNCCD जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।